हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललित्स व्लॉग। और आज मैं आपके साथ मेरे होम गार्डन के बारे में शेयर करना जा रहा हूँ। आज मैं एक नया प्लांट जो कि मैंने न्यू लाया है उसे प्लांट करने वाला हूँ। और ये इसका नया पॉट है। तो सबसे पहले बता दूँ कि प्लांट जो आप परचेस कर रहे हो किसी नर्सरी से, तो उस प्लांट के हिसाब के साइज़ से ये पॉट खरीदे, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि आप बड़ा ही प्लांट लेते हो और उसके लिए पॉट साइज जो रहती है वो काफ़ी छोटी लेते हो। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी पॉट खरीदते वक्त आपको ऐसे मीडियम या इससे ज़्यादा हर एक अलग अलग साइज़ के पॉट्स आते हैं, तो ऐसे पॉट्स परचेस करने हैं। मैं आपको प्लांट दिखाता हूँ जो कि मैंने लाया है। ये देखिए, तो ये एक इंडोर प्लांट है। मुझे इसका नाम ठीक से पता नहीं, बट बाद में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मेरे होम गार्डन के सब प्लांट्स के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। तो इस तरह से ये मैंने नर्सरी से परचेस किया है और इसके हिसाब से ये जो पॉट साइज़ आप देख रहे हो ये परफेक्ट है। और ऐसे नीचे होल करने का भूलिए मत, क्योंकि ओवर और एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन होने के लिए ऐसे पॉट के नीचे होल बनाना ज़रूरी है। ज़्यादा भी होल मत बनाइए। और इसके अंदर आप जैसे सैंड या मिट्टी जो है आप डाल के इसको इसके अंदर ऐसे प्लांट कर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि कभी भी कोई पॉट खरीदते वक्त उसकी क्वालिटी भी चेक कीजिए, काफ़ी ड्यूरेबल होना चाहिए। लॉन्ग टाइम के लिए आप प्लांट्स इसमें रखते हो। और एक बात बताना चाहता हूँ कि प्लांट्स को कभी आप इस पॉट से निकल के किसी और पॉट में मतलब ट्रांसप्लांट करते हो, तो उस वक्त जो प्लांट की क्वालिटी है वो काफ़ी घट जाती है और कभी कभी प्लांट्स डेड भी हो जाते हैं। तो ध्यान रखें कि वन टाइम ही परचेस कीजिए कोई अच्छा पॉट और उसमें एक ही टाइम में एक अच्छे से प्लांट को लगा दीजिए, पौधे को मतलब अच्छे से ठीक से लगा दीजिए। और उसे टाइम टू टाइम मैन्योर वगैरह या खाद बोल सकते हैं, ऐसे और कुछ जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करके उसे अच्छे से ग्रो करें। तो मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स अभी मेरे पीछे जो है ट्रेसिना करके ये काफ़ी बढ़ गया है, उसके पीछे और एक है, ये सब इंडोर और ये पाम का भी है। ये अभी आप देख सकते हो ये पाम ट्री छोटा, और काफ़ी जो मेरा वीडियो चल रहा है कैमरे के पीछे भी है, तो मैं वो सब आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। बट सबसे पहले इसका एक अच्छा सा प्लांट करते वक्त एक टाइम लैप्स निकालता हूँ मैं। सो चेक दिस, हाउ आई प्लांट दिस। एंड हाँ, इस तरह से मैंने मिट्टी मंगवाई है और खाद भी मैं ऑनलाइन या किसी शॉप से परचेज करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी दो सालों से काफ़ी टाइम से हमने बहुत हार्डवर्क किया मैं और मेरी वाइफ ने, और काफ़ी अच्छे प्लांट्स ग्रो किए। अभी ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो कि इस तरह से ये जो रोज़ प्लांट है इसको 1 ईयर लगा ग्रो होने के लिए। और इसके अलावा काफ़ी ऐसे शो के प्लांट्स हैं। तो ये रोज़ वाइट रोज़ भी है हमारे पास, और वो बनी प्लांट है, और ये सब शो और एलोवेरा और छोटे मोटे फ्लावर के प्लांट्स है। तो इस तरह से मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसको क्या, इस पौधे को कैसे लगाए इस पॉट के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। इसका मैं हाइपरलैप्स निकालता हूँ। फाइनली इसे प्लांट करके हो गया है, आप देख सकते हैं इस
पॉट में मैंने इस पौधे को लगाया, और अभी मैं आपको हमारा होम का गार्डन जो है वो दिखाता हूँ। इसको थोड़ा ड्राई होने देते ताकि ये मिट्टी इसके अंदर की अच्छे से बैठ जाए और ये पकड़ ले इसके रूट्स। फ्रेंड्स, आई होप सो यू लाइक माई वीडियो ऑफ प्लांटिंग दिस स्मॉल प्लांट। आई विश आप इस रेनी सीजन में और विंटर सीजन में काफ़ी सारे प्लांट्स लगाएं, क्योंकि ये फेवरेबल क्लाइमेट रहता है इनकी ग्रोथ के लिए। और काफ़ी सारा अपना फॉरेस्ट एरिया घटते जा रहा है, जिसके कारण अपनी जो क्लाइमेट है, अपना जो क्लाइमेट है उसकी हीट भी बढ़ती जा रही है। इसलिए हम सबको ये केयर लेनी है कि अपने घर में ही क्यों ना सही, बट छोटे छोटे करके थोड़े बहुत प्लांट्स लगाए अपने एरिया में, अपने घर के पास किसी ओपन प्लेस में काफ़ी सारे ट्रीज़ प्लांट करें, ट्रीज़ की ग्रोथ को बढ़ावा दें, जिससे अपना क्लाइमेट काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा।
और अपने को अच्छे से ऑक्सीजन भी मिल पाएगा ब्रीदिंग के लिए। और यही मैं होप करता हूँ कि आप ज़रूर अपने घर में एटलीस्ट एक तो प्लांट लगाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इन्जॉय योर डे एंड टेक केयर।